हाय शाक्स, मेरा नाम है भूपेंद्र मदान और मैं गुजरात से आया हूँ। मैं अक्सर काफी कैफेज में विजिट करता था और एट द एंड ऑफ द डे हर जगह विजिट करके मुझे यही रियलाइज होता था, वही कैपेचिनो अमेरिकानो लातेस विद अ स्माइली ऑन इट। कोई क्रिएटिविटी नहीं थी यार, और ये पीपी के मेरी जेब में तो छेद पड़ चुके थे। तभी मेरे दोस्त ने मुझसे ये पूछा कि क्या तूने ठेका तो नहीं उठा लिया है कॉफी इंडस्ट्री चेंज करने का। बस इसने पूछा और मैंने ठेका उठा लिया। तभी मेरे दिमाग में आया एक पलंग तोड़ आइडिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है। थैंक यू। हम अपनी कॉफीज को खुद रोस्ट करते हैं और काफी इंटरेस्टिंग कूल बियर बॉटल्स पे डाल के कस्टमर्स को सर्व करते हैं। मैं आज तक अपनी 3 कियोस्क से 3 लाख से ज्यादा कॉफीज को सर्व कर चुका हूँ। शार्क्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक कैफे नहीं है, ये है एक न्यू जनरेशन कैफे चेन। और मेरे पलंग तोड़ आइडिया को पूरे इंडिया तक पहुंचाने के लिए मुझे आपसे चाहिए होगा 50 लाख रुपीज अगेंस्ट 10% इक्विटी। और मैं गारंटी लेता हूँ कि हम कॉफी इंडस्ट्री को हिला के रख देंगे। मैं अब आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे हम कॉफीज को 59 सेकेंड्स में बनाते हैं। Your time starts now. Yeah. So this is the coffee base. That's the brew that we put. This is the milk base. We already put the sweetener inside it. And then we just mix it and serve it in a beer bucket. Oh wow. Fantastic product. Thank you. Coffee is very good. Thank you. मैं तो इसको अपने मग में डाल दूंगी, मैं दे नहीं रही वापस। भूपेंद्र, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने सबको लट्टू कर दिया अपने प्रोडक्ट और ब्रांड पे। थैंक यू। लेकिन ये ब्रांड की समझ, ये सब कहाँ से आया सब साथ में? सर, ये क्योंकि मैंने काफी यंग एज में बिजनेस चालू कर दिया था। मैं 14 इयर्स का था जब मैंने काम शुरू कर दिया था, और उसी बेसिस पे मैंने यंग एज से बोल दिया था कि मैं वड़ा पाव बेच लूंगा, मोमोज बेच लूंगा, लेकिन मैं करूंगा बिजनेस ही। और वहां से मैंने अपने बिजनेस की जर्नी शुरू करी। भूपेंद्र, थोड़ा अपने जो आपने पहले बिजनेसेस बनाए 14 साल से अभी तक, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? क्या बिजनेस बनाया, क्या रिजल्ट हुआ, ये कौन सा नंबर हुआ बिजनेस? ये मेरा 7th या 8th होगा। 8th बिजनेस है। So, मैंने सबसे पहले शुरू किया था बेचना मोमोज, क्योंकि गुजरात के अंदर मोमोज नहीं थे उस टाइम पे, काफी साल पहले की बात है, when I was 14-15। और फिर मैंने एक मार्केटिंग कंपनी चालू करी, उसके अंदर मैंने काफी सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन्स रन किए काफी ब्रांड्स के लिए। फिर करते करते आई स्टार्टेड पराठा का बिजनेस, काफी मल्टीपल फूड रिलेटेड बिजनेस करने के बाद फाइनली आई केम डाउन टू ठेका। तुसी कमाल हो यार, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 27। और ठेका आपका ब्रांड कितना पुराना है? 3 साल। तो सेल्स क्या है अब तक की? मेरी फर्स्ट ईयर में तो अनबिलीवेबल थी, जो मुझे भी भरोसा नहीं था कि उतनी होएगी। सो फर्स्ट ईयर में मेरी सेल थी अराउंड 1 crore 20 lakh रुपीस। सेकेंड ईयर वी वेंट अप टू 1 crore 80 lakh। और करंट ईयर? करंट ईयर आई फेल्ड वेरी बैडली ड्यूरिंग कोविड, और मैंने ठेका को कोविड खत्म होने के बाद रीलॉन्च किया। तब से मेरी सेल 30 lakh रुपीज है एट 3 carts। पिछले महीने कितनी सेल? पिछले महीने भी 4 lakh रुपए सेल है। सो यू आर रनिंग एट 50 lakh a year। या अब आपने बोला आपने रीस्टार्ट किया, अभी ये आप अकेले रन कर रहे हैं कि आपके पास पार्टनर्स हैं इस बिजनेस में? आपका अभी कितना मनी इन्वेस्टेड है आपके बिजनेस में? 5 lakh रुपीस मैक्सिमम, बाकी सारा बिजनेस से ही जो मैंने कमाया है मैं लगाता गया हूँ। अभी आप ये फुल टाइम कर रहे हैं कि आपके भी और बिजनेस? मैं सिर्फ ठेका, सोता जागता पीता। ये ठेठ निश्चय है आपका? 100%। मैं 5 साल के लिए बिजनेस नहीं करना चाहता, मुझे 50 साल का बिजनेस क्रिएट करना है। आपके कितने SKU है और शेल्फ लाइफ क्या है? मेरे मेन्यू में सिर्फ 12 प्रोडक्ट्स है और इन्वेंट्री सिर्फ 6 है, और उसको भी हम इस तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं कि मेरे केक्स की शेल्फ लाइफ 1 month है और मेरी बॉटल कन्वर्ट होने के बाद 3 days की शेल्फ लाइफ है। तो यार भूपेंद्र, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, आप कैसे बनाएंगे इसको? क्या सब जगह ठेका खोलेंगे या एक डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी करेंगे जो थोड़ी हटके है, इसके बारे में थोड़ा समझा सकते हैं? यस,
जो मेरा आइडियोलॉजी था कि मैं फिक्स एक्सपेंसेस को कट करके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करूंगा. एट द एंड ऑफ द डे जब आप एक कैफे चालू करते हो उसके अंदर टेबल टर्न अराउंड्स पे टाइम लगता है, इतने हाई स्ट्रीट पे काफी रेंटल्स है जिसको निकालने के अंदर ही कैफे चेन्स फेल हो जाते हैं. तो मेरा फोकस हमेशा से ये था कि मैं फिक्स एक्सपेंसेस को बिल्कुल कट करने की कोशिश करूँ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को कट करूँ. और आप इसके थ्रू कर रहे हैं. एग्जैक्टली. सो मेरी कार्ड्स पे इन्वेस्टमेंट भी इतना कम है, 1.5 लाख रुपए में 1 kiosk इज रेडी. प्लस वी आर ऑल हैंडमेड, मतलब वी डोंट यूज एनी इक्विपमेंट, कोई इक्विपमेंट कॉस्ट नहीं है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज वेरी लो. तो मेरे प्रोडक्शन यूनिट्स भी 2.5 लाख रुपए में वी आर रेडी टू सर्व पीपल. तो मुझे यही था कि मैं अपने खुद के कार्ड्स ही हर जगह लॉन्च करूँ. भूपिंदर, मार्केट में ना अभी बहुत सारे कॉफी ब्रांड्स हैं, तो ठेका में और इन बाकी सब में क्या डिफरेंस है, आप ऐसा क्या अलग कर रहे हैं? हम कोशिश ये करें कि हम 100% अराबिका स्पेशलिटी कॉफी को सिंगल एस्टेट कॉफी बीन्स, विच इज दी मोस्ट प्रीमियम कॉफी बीन, जिसको भी कॉफी की नॉलेज होगी उसको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा दिस इज द बेस्ट कॉफी दैट यू कैन एक्चुअली सोर्स, उसको हम 100 rupees में सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं कस्टमर्स को, विच इज मोस्ट अफोर्डेबल. बट ये हैंडमेड होने की वजह से आपको लगता है कि जब स्केल करना होगा, जब बड़े पैमाने पे वो प्रोड्यूस करना होगा, वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी? 100%. उसी लिए वंस वी गेट द इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे हम लोकेशन पे ये खोलना चाहेंगे वहाँ पे हम थोड़ी ऑटोमेशन 100% लाएंगे, ताकि बॉटलिंग मैन पावर से ना हो, बॉटलिंग ऑटोमेशन से हो. आपका विजन क्या है? आपने बताया कि आपको सुपरमार्केट में रखना है, कियोस्क बनाने हैं, right. तो फिर आपको रेडी टू ड्रिंक नहीं रखना है, से एट एयरपोर्ट्स या सुपरमार्केट्स में सब फ्रेशली ब्रूड ही रखना है, कि रेडी टू ड्रिंक SKUs के तरफ भी जाना है? इफ वी आर एबल टू फाइंड द इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जिसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट को ऑर्गेनिकली विदाउट एनी एक्स्ट्रा केमिकल्स या कुछ भी डालने से जो ऑर्गेनिक फ्लेवर है उसका वो करते हुए अगर हम रेडी टू ड्रिंक बना सकते हैं, आई 100% बी वांटिंग टू वर्क टुवर्ड्स इट टू द सेकंड फेज ऑफ द एक्सपेंशन 100%. तो मुझे सच्ची बात बताओ तो बहुत इंटरेस्ट था इसमें, लेकिन एक जो एरिया मुझे कब से खटक रहा है जिसके वजह से वो 100% कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इज द शेल्फ लाइफ, और उसके वजह से आई एम आउट. क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसे स्केल करने के लिए वो शेल्फ लाइफ का क्रैक करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो जस्ट कियोस्क बिजनेस हो जाएगा, जो इतना फैसिनेटिंग नहीं है मेरे लिए. ट्रू. सो भूपिंदर, मेरा कंसर्न ये है कि ये ना 100% फ्रेश है और ना यू नो बिल्कुल स्केलेबल, जहां लाइक पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स डाल के फट से स्केल कर दो, ऐसा नहीं है. For that reason, I'm out. मुझे थोड़े simpler businesses easier लगते हैं समझने में. जो आपने ये brand craft किया है, जो brand की tonality है, बहुत बढ़िया है. Attention grab करता है. That said, food as a category मेरा expertise नहीं है. आप offline heavy जाना चाहते हैं, वहाँ पे भी मैं कोई value add नहीं कर पाऊँगी. Purely because of those reasons, I'm out. मुद्दे की बात ये है कि beverage का जो category है ना, उसका एक बहुत बड़ा शमशान घाट है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत प्रॉब्लम है. लिक्विड को डिस्ट्रीब्यूट करना, शेल्फ लाइफ रखना, रिटर्न्स इतने हाई होते हैं कि लोगों के 100-100 crore के धंधे बना के बंद करने पड़े उनको. तो जो मैंने आपसे सुना है आज, मुझे कोई ऐसा डिफरेंशिएटेड अप्रोच नहीं लगा जो ये प्रॉब्लम्स को टैकल कर सके. आप ये मॉडल पर चलते रहे, चार्ट का टाइप का स्केलेबल बिजनेस बनाना ठेला लगा के, तो आप भी वही शमशान घाट पे पहुंच जाओ. तो इस वजह से मैं आउट हूं. आई थिंक सेंट्रल कॉस्ट एंड लॉजिस्टिक्स में मेरे को चैलेंज लग रहा है. मैं फ्रेंचाइज बिजनेस और ये रिटेल के बारे में काफी जानता हूं. मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप हर सिटी के अंदर जो ये कर रहे हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, आप किसी तरीके से अगर इसको और सेंट्रल ले जाएं, right. और इसमें ऑटोमेशन लाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी, जो मुझे आज नहीं दिख रहा है. तो मुझे लगता है कि ये बिजनेस शायद अगर आप इस पे फोकस करो सेंट्रल लॉजिस्टिक्स पे, right. किसी तरीके से, देन ये इन्वेस्टेबल हो जाएगा. तो आज मैं आउट हूँ, बट ओवरऑल आई थिंक पाथ सही है. आप इस पे फोकस काफी लंबा कर सकते हो. तो वी विश यू लक. We've all given you some advice. आपके ऊपर है, आपको उसके विषय में सोचना है क्या करना है क्या right. नहीं करना. Good luck. Thanks a lot. Thank you guys. Hi sharks, मेरा नाम निहाल सिंह आदर्श है.
मैं एक 19 साल का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। वाओ, आई एम श्योर अभी आप वंडर कर रहे हो कि 19 साल का लड़का यहाँ पे पीपी सूट पहन के क्या कर रहा है, राइट? बिल्कुल। लेट मी शो यू इसके अंदर क्या हाल हो रहा है। शाक साहब देख रहे हैं, मैंने पीपी सूट सिर्फ एक घंटे के लिए पहना था बैकस्टेज और उसमें मेरा ये हाल है, आई एम स्वेटिंग लाइक यू नो एनीथिंग। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो हेल्थ वर्कर्स, सैनिटरी वर्कर्स जो ये पीपी सूट 12-12 घंटे पहन के काम करते हैं, उनकी क्या हालत हो रही होगी। शाक्स, मेरी माँ खुद एक डॉक्टर हैं एंड पिछले कोविड टाइम में उन्होंने काफ़ी कोविड पेशेंट्स से डील किया था और वो ये सिमिलर प्रॉब्लम से गुजर रही थी। ना सिर्फ हेल्थ वर्कर्स, केमिकल इंडस्ट्री के पाउडर फिलर्स, फार्मास्यूटिकल में टैबलेट पैकर्स, कार के पेंट शॉप में जो पेंट करते हैं, बेसिकली हर वो इंसान जो आज के डेट में एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनकर अपनी लाइफ रिस्क पे डालकर किसी और की हेल्प कर रहा है, उन सभी का यही हाल हो रहा है, स्पेशली ट्रॉपिकल कंट्रीज में। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ये डिवाइस बनाया, टॉपटेक वेंटिलेशन सिस्टम। ये डिवाइस एक हाईली कॉम्पैक्ट एर्गोनॉमिक वेंटिलेशन सिस्टम है जो किसी भी पीपीई किट को प्लग एंड प्ले डिवाइस जैसे अटैच हो जाता है और उसको अंदर से वेंटिलेट करता है। शख्स, मैं बचपन से एक इनोवेटर रहा हूँ, आई एम एन इनोवेटर एंड मैंने अपनी एक कंपनी खोली है, वॉट टेक्नोवेशंस, जिसके अंडर मैं बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स इनोवेट करने का विजन रखता हूँ एंड ये प्रोडक्ट के लेके भी मेरे काफ़ी आगे प्लान्स है, होप है कि मैं इसे स्केल करूँ ताकि दुनिया में हम सैकड़ों लोगों की मदद कर सके। मेरी आज यहाँ पे 101 रुपये है एट 2% ऑफ माई कंपनी। तो आप में से कौन सा शाक मेरे साथ हाथ मिलाना चाहेगा? अभी ले लो। ये क्या है? मैं एक 19 इयर्स ओल्ड पैशनेट इनोवेटर हूं शाक। आई मीन पीयूष सर, आप भी टेक गीक हो, मैं भी फुल टेक गीक हूं। तो मैं बेसिकली यहां पे आपके साथ कनेक्ट करने आया हूं। मेरे काफी बड़े प्लान्स हैं मैम, सर, एवरीबॉडी एंड आई रियली वांट टू गेट इनटू दिस फील्ड। तो इंजीनियरिंग फिर आप नहीं खत्म करने वाले हो? मैं कर रहा हूं इंजीनियरिंग खत्म, साथ में चला रहे हो? साथ में चला रहा हूं, मैं पैरेलली चीज कर रहा हूं। आप में से कुछ लोग इंजीनियर्स हैं, आपको मालूम है इंजीनियरिंग में पढ़ाई तो एक महीने पहले होती है। ये कैसे लगाते हैं पीपीए सूट के अंदर? कैन यू शो अस हाउ? यस यस एब्सोल्युटली। बताना नहीं चाहता कहाँ हवा लग रही है। यार आप मेरे को लग रहा है टेक ऑफ कर जाओगे यार। सर मैं समझ गया हूँ, ये रखो आप। वी अंडरस्टूड, समझ गए। वी अंडरस्टूड। ये आवाज कंटिन्यूअसली रहना बहुत ज्यादा और इरिटेटिंग नहीं है? सो यस, सम यूजर्स वर कंप्लेनिंग अबाउट दैट। सो हम लोग अभी कॉन्स्टेंटली इटरेशंस करके इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि सिंस दिस फिल्टर इज वेरी हैवी, तो उसके अंदर से हवा फिल्टर करने के लिए आई हैव टू रन द मोटर एट अ हायर आरपीएम। तो आई थिंक मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, एक है कि मैं गर्मी से ओके हो जाऊं और पसीना से ओके हो जाऊं, एंड सेकंड है कि मैं ये आवाज कैरी करूं। This is good feedback, Nihal. You should incorporate all this. Yeah, I will work on this definitely. Nihal, आप करना क्या चाहते हैं, अभी आगे क्या प्लान है? मैं एक टेक कंपनी ग्रो करना चाहता हूं, जिसका विजन ऐसा है कि हम कॉमन लोग की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें, क्योंकि आइडेंटिफाई करना मैंने बचपन से सीखा है। आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझ में ये चीज़ आ गई कि मैं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उनका एक बहुत अफोर्डेबल एंड यू नो वाइडली स्केलेबल प्रोडक्ट और सोल्यूशन इन द टेक डोमेन बनाना चाहता हूँ। निहाल, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप बहुत ही इम्प्रेसिव हैं और इनोवेटिव भी हैं और आप प्रॉब्लम के डेप्थ में भी जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपको अपना जो ये इनोवेशन है इसको चैनल करना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि आपका ये विजन नहीं है कि आप ये पीपी किट का फैन बनाएं। जी। मैंने भी लेंस कार्ड नहीं था, मैंने पहले और बहुत चीजें करी, पर जब मैंने आईवेयर के प्रॉब्लम में आया तो मुझे धीरे धीरे लगने लग गया कि मेरी लाइफ का यही काम है कि जो आधी दुनिया चश्मा नहीं पहनती उसको चश्मा बनाना। तो मुझे लगता है आपको पाथ मिल जाएगा, अभी हबड़ तबड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको आप बहुत बड़ा बना सकते हैं। एब्सोल्युटली सर, मैं नहीं समझता हूँ ये बिजनेस आपको करना चाहिए। I think it's a waste of your time and energy. हर बिजनेस, हर इंडस्ट्री के क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स होते हैं। ये बातें आप अभी तक समझे नहीं। सिर्फ इनोवेशन करने से काम नहीं बनता है। तो जैसे आपने इस इंडस्ट्री की बात की, इसको डेप्थ तक समझना पड़ेगा। ये प्राइस ड्रिवन इंडस्ट्री है कि इनोवेशन ड्रिवन इंडस्ट्री है, तो वो गहराई में जाना पड़ेगा मेरे दोस्त। लेकिन 2-3 साल के लिए Yes, you must do a lot of innovations. और कोई ऐसी चीज मिलेगी जिससे प्यार हो जाएगा यार, और उसको बड़ा बनाएंगे।
जी। और मैं अनुपम से सहमत हूँ क्योंकि मैं ये इंडस्ट्री से हूँ कि ये प्रोडक्ट चलेगा नहीं। निहाल, आई ऑल्सो वॉन्ट गिव एक फीडबैक। मुझे लगता है अभी हमारा दो चीजें हैं, अभी हमारा जो सोल्यूशन है वो एलिगेंट नहीं है, अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे लगता है कि आप पीपी के साथ अटैच्ड एंड जहां पीपी प्लस ये वेंटिलेटेड पीपी बना के अगर कुछ सिंपल सोल्यूशन जो डॉक्टर सिर्फ पहने तो वो शायद स्केलेबल हो सकता है। तो दैट इज माय सजेशन इन टर्म्स ऑफ ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस वुड बी यू नो ओपन टू गिव यू एन ऑफर एज वेल एज अडॉप्ट यू, वी आर ऑल थ्री मम्मीज आउट हियर। सो मेरी तरफ से आपको ऑफर है पर मुझे नहीं लगता आपको लेनी चाहिए, तो मैं ये नहीं बोलूंगी आई एम आउट, आई एम ओपन टू गिव यू द 101 rupees फॉर 2% एंड आई एम हैप्पी टू गिव यू टाइम व्हेनेवर यू नीड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। निहाल, कुछ भी हासिल करने के लिए ना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, है ना, बहुत मेहनत लगती है। तो आई थिंक मेंटोरशिप के लिए मैं हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप समझिए कि उतना सा पैसा रेस करने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है। यार निहाल, मैं एक बात कहता हूँ, आप 19 साल की उम्र में इतनी मैच्योरिटी से बात कर रहे हैं, इतने आगे की सोच रहे हैं। Impossible to say no. I am giving you an offer. My check is ready. I am just very impressed with you. और आप आगे जाके कुछ ना कुछ जरूर बनाएं। तो मैं भी आपको ऑफर देना चाहूंगी, या तो मेरे से आप 101 for 2% ले लीजिए, या मैं और अनुपम स्प्लिट करेंगे टू शो दैट वी बिलीव इन यू एंड हमें आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना है एज मेंटोर्स, एज पीपल हु गिव एक्सपर्टीज, एज पीपल हु गिव यू कनेक्शंस। एंड द रीजन वी वांट टू टेक 2% इज बिकॉज मुझे तो पक्का यकीन है कि ये डिवाइस नहीं लेकिन कुछ और चीज आप जरूर करोगे जिसमें मैं करोड़पति बन जाऊं। तो फिर अनुपम, या तो हम स्प्लिट करते हैं या मेरा ले लो, बट वी शुड इन्वेस्ट इन हिम। देखो, आप 100 रुपए मांगने आए हैं, मैं आपको 1100 रुपए दे देता हूँ यार, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे पर मेरे को अभी 2% आपकी कंपनी में लेने में ना मेरे को ठीक नहीं लगता। मैं आपको एक और बेटर आइडिया देता हूँ, मैं आपको अपना फोन नंबर देता हूँ। ओके, आपके पास जब भी आपको हेल्प की जरूरत है आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो। जब आप पहला आइडिया लाओगे जो मुझे लगेगा कि बड़ा बन सकता है, मैं उसमें आपका पहला इन्वेस्टर बनूंगा। तो आप जिसको एडवाइजरी शेयर देना चाहे दे सकते हो। एडवाइजरी नहीं है भाई, इक्विटी है जिससे मैं करोड़पति बनने वाली हूँ। तुम एडवाइजरी एडवाइजरी मत, आप फ्यूचर बिज तुम्हारे साथ फ्यूचर मनी में डालो। इसको परेशान कर रहे हो यार। सर, आई हैव अ काउंटर ऑफर, नहीं एक्स्ट्रा ऑफर। आई विल रेज इट टू 4% लेट्स से, बट कैन वी हैव यू आल्सो? हां ले लो यार, आप आ जाओ 1100 ले लो भाई, ये लो 101 रुपए। You guys all owe me 25 rupees. Oh yeah, 25. 25 rupees. अच्छा, मैं check. 26 में लगा दूँ. Thank you so much, sir. Thank you so much. All the best, Nihal. Thank you so much. Thank you so much. बहुत आगे जाना है यार. Definitely. And you'll do it. But only one condition, ना contract में. जितने innovations होंगे सब इस company में होंगे. वो तो obvious है. हाँ. नई company मत बनाना. We'll discuss it. शाम के 5 बज गए, शार्क्स हमारे सामने, एलिस्टे बॉयज आ गए, ना लाइटें ऑन है ना पर्दे, तू कर क्या रहा है पूरे दिन से? बेटा बंटी, मैं तुमको क्या सिखाया था, ये करने के तो रखा है तेरे को कर। भाई कितना आलसी है, कुछ करता है पूरे दिन अंडे देने के अलावा? हाँ हूँ मैं आलसी, तो क्या कर लेगा, ये ले कर क्या, चल भगवान। ये भी कुछ नहीं होता क्या? देखिए इनको, पता नहीं कौन से जमाने में जी रहे हैं। श्रेयांश, हे सिरी, टर्न ऑन लाइट्स। स्वैग। हाय शार्क्स, वी आर एलिस्टे और आज हम इंडिया के हर घर को स्मार्ट होम बनाने आए हैं। आप हमारे डिवाइसेस के साथ अपने घर में लगे फैन, एसी, कर्टन्स, डोर्स सबको ऑटोमेट कर सकते हैं एंड दुनिया में कहीं से भी उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। शार्क्स, हमें लगता है कि आने वाले समय में
हर नया घर एक स्मार्ट होम होगा एंड आपकी मदद से वी कैन एस्टेब्लिश आवरसेल्फ इन दिस मार्केट. दैट इज व्हाई वी आर सीकिंग 60 लाख फॉर 5% ऑफ आवर कंपनी. शार्क्स, हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार हमारा प्रोडक्ट यूज करके देखें. श्योर, वुड लव टू ट्राई. चलो सारे आ जाते हैं. ये बेड साइड लैंप है? राइट, दिस इज द बेड साइड लैंप. आप इतना एंजॉय कर रहे हो, यू कैन ऑलरेडी सी इट इन योर होम्स ऑलरेडी. तो आप में से कौन ऑफर देंगी हमें? अजय, तू फाउंडर है कि शार्क है? सर, टीम में है ऑलरेडी. ही इज ऑलरेडी ऑन द टीम. वी आर ऑल यंग पीपल, नो? सो ऑल द यंग ऑफ अस कैन टुगेदर. आर यू सेइंग हम ओल्ड हैं? नहीं 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 नहीं, दैट्स व्हाट वी आर टेलिंग मैम. आप भी यंग है, यू गेट ऑन द बोर्ड. नाइस सेव. अच्छा, दिस इज वंडरफुल. वंडरफुल या ग्रेट डेमो. ग्रेट डेमो, गुड स्टफ. आपकी उम्र क्या है? 23. 23? Yeah. So guys, welcome to Shark Tank. Thank you, sir. तो बताइए, आप 6 co-founders हो? जी. जरा बताएंगे आप कैसे साथ में आए? सर, हम सारे कॉलेज में एक दूसरे से मिले थे और हम लोग साथ में रहने भी लगे. तो अब साथ में रहते थे तो एक ही कमरे में चिल करते थे. तो हमारा जो कमरा था उसमें स्विचबोर्ड बेड से थोड़ा दूर था. तो हमेशा लड़ाई ये होती थी, एसी तू ऑन कर, नहीं एसी तू ऑन कर. तो आपने दिखा दिया क्या होता था असल में. यस. अरे, मेरे और मेरे हस्बैंड की भी लड़ाई होती है रोज रात को. बिल्कुल. कौन उठ के लाइट बंद करेगा लास्ट में. ये हर घर की कहानी है, इसीलिए हमने ये बनाया. देखो, मजाक तो छोड़ दे, बिजनेस की बात करते हैं. आप किस टाइप की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं? मतलब आप प्लेटफॉर्म बना रहे हैं या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हार्डवेयर? ये समझाएं हमें थोड़ा. सर, हम लोग जो हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है वो एक छोटा सा डेबिट कार्ड साइज का डिवाइस होता है. अच्छा. आप उसको अपने एग्जिस्टिंग स्विच बोर्ड के पीछे फिट कर सकते हैं एंड घर में जितने भी आपके अप्लाइंसेज हैं, जैसे कि लाइट्स, एसी, गीजर, कुछ भी है, उसको आप अपने मोबाइल फोन से कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं. इसके अलावा इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने जैसे कि स्मार्ट कर्टन्स, स्मार्ट डोर लॉक्स, सीसीटीवी तक का इंटीग्रेशन अपने ऐप में किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे एंड कस्टमर को सारे सॉल्यूशंस एक ही ऐप में मिले. तो आपको कस्टमर को बेचने पड़ते हैं या बिजनेसेस को? सर, हमारे दो चैनल्स हैं, एक है B2B, एक है B2C. अंडरस्टूड जी. थैंक यू. जो टेक्नोलॉजी है ये कोई बहुत न्यू टेक्नोलॉजी तो नहीं है. बहुत सी कंपनीज हैं मार्केट में जो ये प्रोडक्ट ऑफर करती हैं. तो इसमें यूनिक क्या है जो आप कर रहे हैं, बिकॉज मार्केट में और प्लेयर्स हैं? सर, जैसे हम लोग इस मार्केट को दो हिस्सों में बटा हुआ देखते हैं. सबसे पहला, एक काफी महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे बड़ी कंपनीज है, ली ग्रैंड एंड ऑल दोस थिंग्स. वो कंपनीज बहुत महंगा सोल्यूशन देती हैं लेकिन रिलायबल साइड पे होता है. दूसरा, चाइनीज प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत ही सस्ते मिलते हैं मार्केट में, जो ट्रेडर्स बेच रहे होते हैं. सो देयर वाज अ वेरी बिग गैप इन द मार्केट जो हम लोग ने सोचा केटर करने के लिए. तो आपका वो कितने का आता है स्विच बोर्ड जो आता है? नंबर ऑफ स्विचेस पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन जो हमारा सबसे ज्यादा पुश होता है प्रोडक्ट, उसमें 5 स्विचेस होते हैं. तो उसकी MRP 12,000 रुपीज है एंड एवरेज प्रोजेक्ट्स में जो सेलिंग प्राइस होती है, इट वर्क्स आउट टू 8,000 रुपए. हम लोगों का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसका जो डिवाइस है उसका 1,100 रुपीज है एंड देन हम लोग अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को 4,500 प्लस GST में देते हैं. देन डिस्ट्रीब्यूटर अपना मार्जिन एड ऑन करके कस्टमर को वो रेट 8,000 या 9,000 प्लस GST में उनको वो मिलता है. रेवेन्यू कितना हुआ? जी, हमारा टोटल टिल डेट रेवेन्यू 1.1 crore है. हमारी सेल्स आर रफली अराउंड 15 months एंड अगर आप हमारा ईयर टू डेट पूछेंगे तो दैट इज रफली अराउंड 63 lakh रुपीज. पिछले महीने कितना? पिछले महीने रफली अराउंड 7.5 lakh रुपीज होगा. एंड नेट प्रॉफिट? So, our net profit is roughly around 40%. Oh, 40%? आप यार 5 साल बड़े लेट हो. यहाँ पर दो बिजनेसेस हैं, B2B एंड B2C. B2C बिजनेस खत्म हो गया. सारे डिवाइस मैन्युफैक्चर, अप्लायंस मैन्युफैक्चर आज अपने आप लिख रहे हैं सॉफ्टवेयर टू कनेक्ट विद Alexa एंड Google Home. इट टेक्स मी seconds टू टर्न ऑन Alexa, pair it एंड से टर्न ऑन द बल्ब, डोंट टर्न इट ऑफ. लेकिन ये खिलौना बन चुका है. तो लोग लेके आते हैं, 2-3 बार अपनी डॉटर सन के साथ खेलते हैं और फिर उसको बंद कर देते हैं, बिकॉज इट इज हाईली इनकन्वीनियंट अंटिल एंड अनलेस ऑल अप्लायंसेस बिकम स्मार्ट. सर, व्हाई वी वर्क विद कंज्यूमर्स, वी बिलीव जो कंस्ट्रक्शन मार्केट है, दैट इज
always going up and up. When you're getting your home constructed, you're already spending a lot of money. Tab, I might buy Daikin ka smart AC or I might buy any smart fan, but mere ghar mein bahut alag alag cheeze hain. Main lights lagata hoon, to main aesthetic appeal ke liye design wise dekhta hoon. So what we do, customer gets one stop solution for everything. Ye baat se bilkul sehmat hoon, mera bolne ka itna hi matlab tha ki aapka business B2B business hai. Kyunki generally log jab ghar banwate hain, वो डिजाइनर या आर्किटेक्ट से बनवाते हैं, दे यूजुअली रेकमेंड व्हाट टू बाय, और अब कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जाओगे तो बिल्डर डिसाइड करता है, right. तो बी टू सी इज इम्पॉसिबल इन दिस स्पेस इन द करंट सिनेरियो. आप पैसा रेस करना चाह रहे हैं, yes, आप कहाँ पे यूज करना चाहेंगे ये पैसा? सबसे पहला ये है कि हमारे पास ऑलरेडी जो कंफर्म्ड ऑर्डर दो बिल्डर्स से आए हुए हैं, तो हमारा ऑलरेडी अक्रूड रेवेन्यू जो प्रॉमिस्ड है विद इन द नेक्स्ट टू इयर्स इज रफली क्लोज टू 4 crore. तो इनको फुलफिल करने के लिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए हमें थोड़े पैसे चाहिए, और थोड़ी टेक्निकल नो हाउ ऐड करने के लिए, क्योंकि अभी हमारी टेक्निकल टीम लिमिटेड है, उसकी बैंडविड्थ इंक्रीज करने के लिए पैसे चाहिए. मैं इससे बाहर जाना चाहूँगी क्योंकि मेरे लिए ये इतना रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज बी टू बी सेल्स में मुझे स्केलेबिलिटी में कंसर्न लगता है अनलेस यू हैव रेलेवेंट एक्सपीरियंस. तो मैं इससे बाहर होना चाहूँगी. एक्चुअली मैं भी आउट हूँ क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इससे मैं ज़्यादा रिलेट नहीं कर पा रही हूँ और मेरा एक्सपर्टीज इसमें नहीं है. सो फॉर दैट रीज़न आई एम आउट. बट एट 23 आप में जो जोश है, जो आपका ये क्वालिटी है जो मैंने देखा है, फैंटास्टिक. थैंक यू सो मच मैम. आपने ना अपना ड्रीम थोड़ा छोटा देख लिया है कि आप लग गए हैं कि भाई हम बिल्डर को जाएंगे, क्रेडिट पे सामान देंगे, फिर किसी के घर में जाएंगे, उसकी रिक्वायरमेंट समझेंगे. आप कोई ऐसा विजन क्यों नहीं देखते कि हम एक अफोर्डेबल न्यू एज होम इंडिया के लिए बनाएंगे? आप इन हो आउट हो यार, फीडबैक तो देने दो. तो आप उनसे पूछ लो, एडवाइस लेने आए, पैसे लेने आए, दोनों. जी दोनों, दोनों. तो मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी बहुत है. अगर यही चीज आप मास स्केल पे बनाए और 8,000 रुपए की जगह यही चीज 800 रुपए में बने पर रूम, तो आप देखिए कैसे बढ़ेगा बिजनेस. तो आई थिंक आज मैं अभी बाहर हूं इससे. मैं पीयूष की बात से सहमत हूं, उस रीजन से मैं आउट. तो अगर आपको बड़ा काम करना है तो आपको दूसरी तरीके से सोचना पड़ेगा. जहां तक होम ऑटोमेशन का सवाल है, That business is cornered by big tech. Google है, Apple है, Amazon Alexa है. उसमें आपको अपना position बनाना बहुत मुश्किल है. लेकिन there is a good news. I can give you an offer. आप builders से काम कर रहे हैं, है ना? तो वहाँ पे पैसे निकालना कभी-कभी मुश्किल हो जाता. So I'm basically financing that gap for you. मैं आपको 10 lakh rupees दूँगा. For 10% of your company, and I'll give you another 50 lakhs instead. उसके लिए आप मुझे 12% interest देंगे as a coupon. हम एक मिनट ले सकते हैं? हाँ जी. Thank you. बच्चों में invest करने का मन था मेरा. Anupam is right. It's very risky. Forge आ गई वापस. Thank you. Forge. रिस्पेक्टफुली एक काउंटर ऑफर रखना चाहेंगे. बोलिए बोलिए. इफ पॉसिबल हम 85 लाख फॉर 10% ऑफ द कंपनी ऑफर करना चाहेंगे. ये बहुत रिस्की बिजनेस है. Right. मेरा कॉन्फिडेंस आप में था कि समाओ मेरा डेट क्लियर हो जाए और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ. बिल्कुल जी. Yes. उसके अलावा मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ. आई एम हियर टू मेक मनी. सो आई एम सॉरी आई हैव टू डिक्लाइन. लेकिन आपके दर्शन करके मजा आया. सो थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. निराश मत होना. नहीं नहीं बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है. राह पे चलते रहना. यू आर यंग. ओनली 23. यस. वी होप टू बी सिटिंग ऑन दीस सीट्स समडे. दैट इज नॉट टू फार. थैंक यू सो मच. दैट्स द स्पिरिट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.
हाय शार्क्स, मेरा नाम दीपक भुवनेश्वर यूनियाल है। मैं रवि माथुर। और मैं शिल्पा, हम इंश्योरेंस समाधान के को-फाउंडर्स हैं। शार्क्स, याद कीजिए वो टाइम जब हमारा कोई अपना फैमिली मेंबर या फ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिटेड था। हम इंश्योरेंस लेते हैं इस उद्देश्य से कि जब कोई बुरा टाइम आएगा तो वो हमारी हेल्प करेगा, बट हमेशा हमें टेंशन रहती है वो मिलेगा क्लेम के नहीं मिलेगा। ऐसे ही हमारे देश में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में नहीं पता और इसी वजह से बहुत मिस सेलिंग होती है। एक बुजुर्ग आदमी को FD बोल के इंश्योरेंस बेच दिया जाता है, एक बिजनेसमैन को लोन का लालच दे के इंश्योरेंस बेच दिया जाता है। ऐसी ही बहुत सारी समस्याओं को समझने के बाद हम फाउंडर्स ने टोटल अपना जो इंश्योरेंस का 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उसको लेके स्टार्ट किया इंश्योरेंस समाधान। शार्क्स, इन 3 सालों के सफर में हमने 14,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स को रिजॉल्व किया है और 30 करोड़ से ज्यादा का क्लेम अमाउंट जो कि लोगों का हक का पैसा था उन्हें दिलवाया है। शार्क्स, मेरे को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हम एशिया की इकलौती ऐसी स्टार्टअप है जो लाइफ, हेल्थ, जनरल तीनों टाइप के इंश्योरेंस में हर तरीके की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। इसके लिए हम अपनी कंपनी का 1% 1 करोड़ के अगेंस्ट आपको ऑफर कर रहे हैं। शार्क्स, इंश्योरेंस चाहिए क्योंकि शार्क दिल से थामा है आपका हाथ हर कदम पर आपके साथ। इसका भी इंश्योरेंस दे देना है। So, दीपक, रवि, शिल्पा, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बहुत बड़ी प्रॉब्लम का आप समाधान लेकर आए हैं। काफी, हाँ, और बहुत भारी वैल्यूएशन। अनुपम जी चेयर से गिरने वाले थे अभी। तो आप कैसे एक दूसरे को जानते हैं, आप क्या करते हैं इस बिजनेस में, आप तीनों को फाउंडर हैं, इक्विटी कितनी है, इसका थोड़ा बैकग्राउंड दीजिए पहले। हम 5 co-founders हैं। अच्छा। 3 यहाँ पे हैं, 2 आर बैक होम वर्किंग हार्ड। हम में से जो 3 co-founder हैं, मैं, शिल्पा और शैलेश, हम मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में काम करते थे। 2014 में हमको एक दिल्ली के बहुत सीनियर दिल्ली पुलिस ऑफिसर मिले। उन्होंने बताया कि उनके फादर जो उस समय 72 ईयर्स के थे उनके साथ फ्रॉड हुआ था और वो फ्रॉड 6 साल लगातार होता रहा। Oh my God. उनको 42 इंश्योरेंस पॉलिसीज बेची गई थी, 6 अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी की, और 38 लाख का प्रीमियम था टोटल। इनको जब पता चला द बेस्ट ही कुड डू इज फ्रॉड था, दैट पर्सन वेंट टू द जेल, बट बीइंग अ दिल्ली पुलिस ऑफिसर 1 रुपये नहीं निकाल पाए। हमने उनको हेल्प करना शुरू किया एंड विद इन अ स्पैन ऑफ 4 to 5 months उनके सारे के सारे पैसे उनके फादर के वापस आ गए, पूरे 38 लाख। थैंक यू। मैं समझता हूँ ये तकलीफ पाना कि कोई ऐसा कर सकता है, भरोसा टूट जाना बहुत तकलीफ की बात होती है, तो ये काम जरूरी है। तो आप मुझे ये समझाएं कि आप कैसे करते हैं, कोई प्रोडक्ट है, ऐप है? हमारी एक वेबसाइट है, एक व्हाट्सएप की बॉट बनाई हुई है, उस पर आप व्हाट्सएप की बॉट पे हाई लिखिए, एक बॉट स्टार्ट हो जाएगी, वो आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछेगी, आपकी उम्र, पॉलिसी टाइप, कुछ क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। उसके बेसिस पे हमारा इंजन आपको बताता है कि आपके केस में प्रूफ्स में दम है या नहीं है। हम अपने प्लेटफॉर्म पे आए हुए 100 लोगों में से परसेंटेज वाइज 5 या 7 लोगों को ही केस एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनीज करना नहीं चाहती रिजॉल्व, दे करना चाहती हैं, बट जो गैप है वो कम्युनिकेशन का गैप है, क्योंकि इंश्योरेंस एक टेक्निकल प्रोडक्ट है, उसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको बताई भी जाती है, वो बहुत केसेस में नहीं बताते या फिर आपको समझ नहीं आती, लेकिन जब वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ आता है तो आपको लगता है नहीं मेरे साथ गलत हुआ है, ऐसा होता नहीं है। यूजर एक्सपीरियंस समझकर, लेकिन आप उसमें से पैसे कैसे कमाते हैं? जब आपका केस सॉल्व हो जाता है और आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो हम सक्सेस फी लेते हैं। कितना लेते हैं? 12% एज ऑफ नाउ। 12%, ओके। सो दैट्स अनदर USP कि हम पैसे बाद में लेते हैं। तो आपको पता है कि इंडिया में बैड डेट्स, मतलब पैसे ना मिलना, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये आपके साथ होता है कि कस्टमर को पैसे मिल जाते हैं बट आपको पे करने में बहुत टाइम लगता है? सो अभी तक कोई बैड डेट नहीं है, बट ये परसेंटेज बहुत मिनिस्कुल है, क्योंकि एक तो हम वो पैसा ला रहे हैं जो ऑलरेडी डूब गया है, सो कस्टमर वैसे ही बहुत खुश है। हैविंग सेड दैट, हमने अपने फाइनेंशियल्स में प्रोजेक्शन में 2% का बैड डेट डाला हुआ है, बट अभी तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ। 2% इज वेरी लो, आई मीन यू आर लकी, बट ये प्लीज आप ध्यान में रखिए, क्योंकि जैसे आप स्केल करेंगे 2 इश्यूज होंगे। एक तो इफ यू आर वेटिंग कि उनको पैसे मिले फिर आपको मिले, बैड डेट्स बढ़ेंगे, विच इज अ डायरेक्ट हिट टू प्रॉफिट,
और सेकंड प्रॉब्लम ये होगा कि आपका वर्किंग साइकिल जितना स्ट्रेच होगा आपके कैश फ्लो में इतने इश्यूज आएंगे। सेकंड, कंपटीशन क्या है आपके अलावा, ये कौन करता है इंडिया में? So nobody in Asia when it comes to claim resolution. ये तो बहुत common problem है, तो और players कैसे? Policy bazaar क्यों नहीं करेगा ये चीज़? Policy bazaar करेगा ये? हाँ जी, so policy bazaar क्योंकि बेचता है, आप एक तरफ बेच के दूसरी तरफ resolve नहीं कर सकते। क्यों? Customer service कर रहा हूँ ना मैं। मैंने बोला मेरा एक्स कंपनी का प्रॉब्लम है, आपने वो सॉल्व किया, फिर आप क्या करेंगे, मुझे वाई कंपनी बेचेंगे ना, एक्स कंपनी विल नॉट बी हैप्पी विद यू। तो सक्सेस रेट क्या है, कन्वर्जन रेट क्या है? 70% इज अ सक्सेस रेट। ओके, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर दीज रेजोल्यूशंस टू? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो इंडस्ट्री पैटर्न देखेंगे तो 6 महीने से 2 साल लग सकते हैं। हमने इसको 45-60 days में ऑन एन एवरेज करना शुरू कर दिया है, हमने कुछ दिनों में कुछ घंटों में भी केसेस सॉल्व किए हैं। एक बात तो अच्छी लगी मेरे को कि आप कह रहे हो कि 70% सक्सेस रेट आउट ऑफ द कंप्लेंट्स यू एक्सेप्ट। या तो वर्ड ऑफ माउथ अच्छा होगा, बहुत जबरदस्त। जहाँ तक मेरा समझ है आपने पिछले 3 साल में 2-3 करोड़ रुपये बनाए हैं और आप यहाँ आए हैं 1% के लिए 1 करोड़ मांगने, मतलब 100 करोड़ की वैल्यूएशन। तो आपके लिए मुझे लग रहा है ऐसा कुछ होने वाला है अगले 12 महीने में कि ये रेवेन्यू जस्टिफाई हो जाए। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। तो क्या बात है भाई जो हमें भी समझाए। हम शुरू से बहुत अच्छा कर रहे हैं, सडनली हमारा रेवेन्यू बढ़ने लगा है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, हमने पिछले पूरे 3 फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपये कमाया और इस फाइनेंशियल ईयर से अभी तक 1 करोड़ से ऊपर ऑल कमा चुके हैं। पिछले महीने कितना कमाया? 22 लाख रुपीज। तो यू आर ग्रोइंग मंथ ऑन मंथ। वी आर ग्रोइंग मंथ ऑन मंथ। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, हमारा 80 करोड़ अभी क्लेम प्रोसेस में है या इंश्योरेंस कंपनी के पास या आगे और बकेट्स में। अब ये जैसे मैंने कहा टैट 2-3 महीने, अगर इसमें से 50% भी रिजॉल्व हो जाता है, वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर 3-4 करोड़। भाई मैंने मेरा डिसीजन बना लिया है, तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। आप क्रिकेट का फॉर्मेट T20 समझते हैं? बिल्कुल। तो मेरा भी इन्वेस्टिंग का फॉर्मेट मैं आपको T3 बोल के समझाता हूँ। एक होता है टीम, वो तो आप बहुत अच्छे हो। दूसरा होता है टैम, मतलब टोटल एड्रेसेबल मार्केट। मैंने थोड़े आंकड़े चलाए, आप कुछ भी करो ना, आपका 100-125 करोड़ से धंधा ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। तो एक प्रॉब्लम वो है। दूसरी प्रॉब्लम है टाइमिंग। अभी जितना कैपिटल और कंपटीशन आ रहा है इंश्योरेंस में, काफ़ी इश्यूज उसी से रिजॉल्व हो जाएगी, तो ये 100-150 करोड़ और भी कम हो जाएगा। तो इसी वजह से, ऑल्दो आई लव द प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग, मैं आपके साथ आज नहीं जुड़ पाऊंगा, आई एम सॉरी। एक तो मैं अनुपम जी से डिसएग्री करूंगी अबाउट द स्केल, क्योंकि एक चीज जो इंडिया में बहुत रेलिवेंट है, जो आपको मालूम है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत लो है, लो सिंगल डिजिट्स कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। तो एज ये बढ़ेगा आपके आंकड़े भी बढ़ेंगे, तो स्केल इज नॉट द इशू। मुझे करंटली जो आपके इश्यूज लग रहे हैं वो बहुत एग्जीक्यूशन इश्यूज लग रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग एंड कस्टमर एक्विजिशन, बैड डेट, यू नो द टाइम टेकन टू रिजॉल्व, और ये सब एग्जीक्यूशन के कंपेरिजन में जो आप वैल्यूएशन मांग रहे हैं उसमें मुझे मिसमैच लग रहा है, और उस वजह से आई एम आउट। मैं भी अपना फैसला सुना देती हूँ। जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है आपका, वो जैसे जैसे आप स्केल करेंगे बढ़ता जाएगा, मुझे ऐसा दिखता है। एंड दूसरा, जो आप यहाँ पे मांग रहे हैं 1% इक्विटी फॉर 1 करोड़, मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। मैं वो नंबर का मैथ ही अपने माइंड में नहीं कर पा रही हूँ आपका करंट स्केल देख के, तो उस रीजन से आई एम आउट। मैं आपको ऑफर देती हूँ, क्योंकि मुझे आपकी टीम बहुत पसंद है, और मेरी ऑफर है 1 करोड़ फॉर 25%। बिकॉज कन्विक्शन है, एंड ये जो कैटेगरी है, मेरी मदर ने अपना उम्बड्समैन से झगड़ा करके पैसा रिकवर करवाया था, तो हम लोग तो फाइटर हैं, बट बहुत आई थिंक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये। सो गाइस, लकी यू हैव वन ऑफर। मुझे 3 साल बाद बताइए क्या टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं, क्या विजन है कंपनी का, उसके बाद मैं आपको ऑफर दूंगा। सर, हमारा विजन है इस देश के हर एक पॉलिसी होल्डर को एक ऐप प्रोवाइड करनी है कि आप अपनी पॉलिसी अपलोड करिए, 3 या 4 सेकंड के अंदर हम आपको बता देंगे कि वेदर इट विल बी रिजॉल्वड और नॉट, उसका सक्सेस परसेंटेज आपको बता देगा। बहुत अच्छा एक्विजिशन फनल है। हम सर्विस से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं,
तो यूनिवर्स सडनली 1000 टाइम्स बड़ा हो जाएगा. एवरी पॉलिसी होल्डर विल बी आवर अपॉर्चुनिटी, पार्ट वन. सेकंड, हमने ऑलरेडी प्री सीरीज ए राउंड क्लोज कर लिया है. बहुत जल्दी बता दिया. That is at much much higher valuation. हमने first July को term sheet sign करी थी at 25 crore post money valuation. कितना raise किया? 5 crore. तो आपने कितना percent dilute किया उसके लिए? 20%. और यहाँ पे आके आप ज़्यादा valuation क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि जिस दिन हमने term sheet sign करी थी उससे लेके अभी तक हम 4 गुना grow हो चुके हैं. आपको मैं 2 मिनट के बाद मेरा offer चला जाएगा. तो जा सकता है, मैं इनसे आपको इनसे बेटर ऑफर दे दूंगा. अगर ये सबके रिएक्शन था, आपको समझ आ गया होगा कि ऑफर बहुत अच्छी है. इतना ये टेक्नोलॉजी आपकी समझ नहीं रही है. मुझे घुसना ही नहीं उसमें, बिकॉज मुझे फेथ है टीम में, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है वो लोग. ऑफर आपका वही है 25%. हाँ. तो आप ये ऑफर लेना चाहते हैं? That valuation doesn't make sense to us, honestly. तो अभी फिलहाल अब एक ही शाख बाकी है इस पूरी चीज में, वो है मैं आपका ऑफर सुन के डिसाइड करूँ. मेरे हिसाब से ये टेक्नोलॉजी कंपनी है, ये कोई D2C कंपनी नहीं है. आपको लगता है कि कॉस्मेटिक्स में टेक्नोलॉजी नहीं लगती? मैं ये कोई शेयर नहीं करना चाहूंगा इसमें इन्वेस्टमेंट. मैं पूरा 1 करोड़ आपको खुद ही देना चाहूंगा. मेरा ऑफर आपको 1 करोड़ रुपए 10% के लिए. आपके पिछले वैल्यूएशन पे 5% आता है, बट मुझे लगता है अभी आपको बहुत हेल्प की जरूरत है. We have a counter offer to you. तर इसमें counter क्या करोगे? Next round आपको 100 करोड़ का raise करना पड़ेगा. नहीं, उससे ज़्यादा का. So we are very sure. 250 से करोड़ का कम. तो 250-300 करोड़ आपको raise करने में मैं ही मदद कर सकता हूँ. बिल्कुल कर सकते हैं. तो क्या counter करना चाहते हैं आप? See, 1.3%. Enjoy Piyush. Bye bye. मैं आपको worst case बताता हूँ. मैं 5% लूँगा. ठीक है, मैं 5% से नीचे नहीं आऊंगा, बिकॉज आप अभी इसका मतलब आप मेरे को वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं इस पूरी चीज में. ठीक है, 5% मिनिमम लूंगा, विच इज योर लास्ट राउंड वैल्यूएशन प्री मनी. और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आई विल गेट यू अ सीरीज ए डन. क्या करना है भाई? कैन वी गेट 2 मिनट्स टू? या श्योर वेरी जेनरस ऑफर यार. In 3 months he'll raise Series A, और इसका मनी quadruple होने वाला है. यार तुम तो भाई 100% अलग ही. No, but it's a good offer. इससे better offer कर दे. It's a very good offer. So tough decision. But फिर counter offer है दोबारा. 2.5% for 1 crore. I don't think Piyush. No, I cannot. Sorry. This is my best offer. आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. मतलब मैं पीयूष के साथ कंपीट कर रही थी, पर यू नो 5 महीने में इतना वैल्यूएशन जंप जस्टिफाई नहीं कर सकता. और मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर आप ऐसे डिसीजंस नहीं लेंगे माइंड से, तो बड़ा कंपनी बनना मुश्किल हो जाएगा. बड़ा कंपनी के लिए ना बड़ा सोचना पड़ता है. ओके, सो यू आर एट 2.5%, ही इज एट 5%. विल यू कम टू 5%? पोस्ट मनी मैच करोगे 4% इनका? चलो मैं 4% में कर लूंगा डील, उससे नीचे नहीं जाऊंगा. आई एम सॉरी. डिसीजन टाइम गाइस. हाँ कि ना? डन. वेल डन दीपक, रवि, शिल्पा. गुड डिसीजन. सुपर गुड डिसीजन. सुपर. एंड बहुत लाखों करोड़ आप इंडियन मिडिल क्लास लोग के बचाएं, ये हमारी रियली आपसे होप एंड एक्सपेक्टेशन है. आई लव द लोगो. ये छतरी टू गिव द प्रोटेक्शन, नो इट्स ब्यूटिफुल. Congratulations guys, all the best. Wow. Awesome. This was good. Swaad aa gaya. Wow. Ravi ka kaam. Yaha lagta hai. CTO. Piyush, you're going to make a lot of money. Very good. Congratulations. You're going to make a lot of money on this. Very good. It's a brilliant deal. Yeah, yeah, so 10x or nothing. Oh, Piyush, man, you got a great deal. Really? Why didn't you join? I didn't know the prior investment. Tempting. Yeah, I'm going to ask that question first in the next one. Ye to paise gaye aapke. Thank you.